नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max वर्सेस Realme X7 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 6.48 इंच जबकि Realme X7 Pro में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 3 इंच जबकि Realme X7 Pro में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi Note 10 Pro Max में 0.32 इंच जबकि Realme X7 Pro में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi Note 10 Pro Max में 192 ग्राम जबकि Realme X7 Pro में 184 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 देखने को मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में 6.67 इंचेस जबकि Realme X7 Pro में 6.55 इंचेस की साइज देखने को मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 देखने को मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi Note 10 Pro Max में 85.8% जबकि Realme X7 Pro में 85.66% देखने को मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Redmi Note 10 Pro Max में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme X7 Pro में 402 पिक्सेल प्रति इंच देखने को मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme X7 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme X7 Pro की बात करें तो उसमें 13 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi Note 10 Pro Max में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Realme X7 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 8 डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Adreno 618 जबकि Realme X7 Pro में Mali G77 MC9 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Qualcomm Snapdragon 732G और Realme X7 Pro में MediaTek Dimensity 1000 Plus MT6889Z मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB देखने को मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में अप टू 512GB जबकि Realme X7 Pro में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Redmi Note 10 Pro Max में Android V11 जबकि Realme X7 Pro में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Redmi Note 10 Pro Max में 5020mAh जबकि Realme X7 Pro में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
Redmi Note 10 Pro Max में 3 कलर्स जबकि Realme X7 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi Note 10 Pro Max की 21,999 रुपीस जबकि Realme X7 Pro की 26,999 रुपीस प्राइस देखने को मिलती है, जो कि Redmi Note 10 Pro Max से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 8 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi Note 10 Pro Max आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में Realme X7 Pro आगे है, परफॉर्मेंस में Realme X7 Pro आगे है, इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10i 8GB RAM है जो कि 23,978 रुपए में मिलता है। दूसरा Samsung Galaxy F62 8GB RAM है जो कि 18,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Xiaomi Redmi Note 10 Pro 8GB RAM है जो कि 18,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128GB है जो कि 19,999 रुपए में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।